मांझी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बीजीसी की बैठक गहमा गहमी व आरोप प्रत्यारोप के बीच सम्पन्न हो गई। मांझी की प्रखंड प्रमुख कमला देवी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में बाल विकास परियोजना सहित अन्य मुद्दों पर सदस्यों के बीच काफी गर्मा गर्म बहस हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध उगाही व आंगनबाड़ी का मुद्दा छाया रहा। बैठक में प्रखंड स्तर के कई पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर हंगामे के बाद एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में महमदपुर के बीडीसी असलम अंसारी ने कहा कि पंचायत समिति की बैठक में पदाधिकारियों की अनुपस्थिति प्रतिनिधियों का अपमान है। वायु प्रमुख मनोज सिंह ने क्षेत्र के विकास सहित अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर समय से पोषाहार वितरण नहीं करने को लेकर जांच हेतु 3 सदस्यीय टीम बनाई गई। बैठक में विद्यालयों के पठन पाठन की भी चर्चा हुई। साथ ही विद्यालयों की जांच हेतु 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जो पोषाहार एवं रंग रोगन की जांच करेगी। वहीं मनरेगा पर भी कमेटी गठित की गई। वो कमेटी खेतों में घेराबंदी कर पेड़ नहीं लगाए गए और उसकी जांच करेगी। बैठक में मांझी के विधायक डॉ. सत्येंद्र यादव तथा एकमा के विधायक श्रीकांत यादव ने बीडीओ रंजीत सिंह को मनरेगा भवन बनाने हेतु 10 कट्ठा जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। बैठक में शामिल होने के लिए पत्रकारों को पत्र भेजकर बुलाने के बाद बैठक से उन्हें बाहर निकाल दिए जाने पर कई सदस्यों ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की तथा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर अगली बैठकों में पत्रकारों को शामिल कराए जाने हेतु पहल करने की मांग की। मांझी से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज बीडीसी की बैठक हुई है, इसमें किस किस बिंदुओं पर चर्चा की गई? आज बैठक में सबसे अहम बात रही कि एक कमेटी का गठन किया गया माननीय विधायक मांझी और माननीय विधायक एकमा के द्वारा। टीम बनाया गया है जिसमें कई हमारे समिति के सदस्य एवं मुखिया जी लोगों को और स्वयं विधायक जी भी उस टीम में हैं। उसमें जैसे कि आपका शिक्षा से लेकर एक टीम बनाया गया, स्कूल के काफी जो मनमानी हो रहा है स्कूलों में उसको नियंत्रण करने के लिए। क्या मनमानी हो रहा है? मनमानी जैसे क्यों हो रहा है कि समय पर अगर शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे हैं, कई जगह से शिकायत है कि बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, समय पर शिक्षक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो उसको विशेष ध्यान दिया गया। दूसरा चीज जो CDPO मैम के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को सही से नहीं संचालित किया जा रहा है उसको पे अंकुश पाने के लिए टीम बनाई गई। उसके बाद मनरेगा में जो तरह तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि मनरेगा में वृक्षरोपण के नाम पे पूरे प्रखंड में सबसे ज्यादा लूट खसोट हुआ है। वहां वृक्ष तो है ही नहीं, केवल खंभे और तार जो है वो दिख रहे हैं। लोग अपने खेत घेर रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, और इसमें मनरेगा की जो अधिकारी हैं उनकी सबसे बड़ी मिली जुलत है। थैंक यू। पंचायत है गोबरही, वहाँ एक चंद्रपुर गांव है। चंद्रपुर गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसको मध्य विद्यालय निर्माण किया गया ताकि वहाँ की बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो संख्या को देखते हुए और बच्चों को सुविधा मिले, और इसलिए हम लोग उसको चाह रहे हैं कि वो मध्य विद्यालय बन जाए। बोलिए बोलिए कि आज मीटिंग किसी की बैठक हुई है जिसमें मनरेगा शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी। क्या नाम आपका? सुनीता तिवारी बोल रही हूँ। एजीएम साहब के बारे में कुछ बताइए। हाँ, एजीएम भी नहीं उपस्थित थे, सीओ भी नहीं उपस्थित थे, सीओ हट गए कि इसमें आज बैठक में लोग तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे, इसलिए वो भी नहीं आ पाए। तो सर जिन लोग जो लोग मौजूद नहीं थे उनपे क्या हो गया? हाँ, लिखा गया है प्रोसीडिंग में लिखाया है कि जो नहीं होंगे उन पर उचित कार्रवाई होगी। सीओ नहीं रहे। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी लोग थे? हाँ, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी थे, उसमें डॉक्टर साहब थे, वो भी अपना जो भी बात हुआ रखे बोले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य विभाग जो अभी हमारे माझी में चल रहा है सुचारू रूप से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ताजपुर में भी जो PS चल रहा है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। थैंक यू। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।